पर्सनल पार्ट के ठीक ऊपर गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाला कुख्यात बिक्की सिंह गिरफ्तार। कुख्यात बिक्की सिंह के विरुद्ध फुर्जगढ़ा थाना में हत्या सहित कुल 11 मामले हैं दर्ज। जराइम की दुनिया में कुख्यात बिक्की सिंह के नाबालिग भाई की भी हुई एंट्री। बिक्की सिंह को गिरफ्तार करने में फुर्जगढ़ा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गिरफ्तार बिक्की सिंह के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कह रहे हैं लखीसराय SP पंकज कुमार, सुने। 28 जून को फुजगढ़ा थाना अंतर्गत नंदपुर गांव में देवन बिंद को गोली मारने की घटना हुई थी। पुलिस ने उस समय DSP प्रोबेशनर आकाश के नेतृत्व में थानाध्यक्ष फुजगढ़ा भगवान और SI आलम, साथ ही हमारी DI की टीम के द्वारा, जिसमें SI गौरव और विभूति और पंकज कांस्टेबल था, उसने उस समय ये कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। उसके बाद जो जख्मी था उसके पक्ष से केस दर्ज किया गया था, जिसमें 4 व्यक्ति को नामजद किया गया था, जिसमें उसी समय एक की गिरफ्तारी हो गई थी। हालांकि जिस समय ये गोली मारने की घटना हुई थी उस समय एक व्यक्ति को उठाकर ले जाने की भी बात सामने आई थी। हालांकि पुलिस के दबिश के बाद कुछ ही देर के बाद उसकी बरामदगी हो गई थी। पूछताछ के बाद जो सामने आया था और पीड़ित पक्ष के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी उससे स्पष्ट रूप से सामने आया था कि इस घटना को करने में, गोली मारने की घटना को करने में 4 अपराधकर्मी शामिल थे, जिसमें 1 की गिरफ्तारी भी थी। अभी 2 की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से बिक्की फेमस अपराधकर्मी है, हालांकि एक नाबालिग की भी, जिसकी इसमें संलिप्तता थी, उसको भी पुलिस ने रोका हुआ है। तो बिक्की से पूछताछ के बाद उस घटना का पूरा खुलासा हुआ है और पूर्व के विवाद के चलते ये गोली मारने की घटना हुई थी। बिक्की का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, पहले भी वो हत्या के केस में वांछित रहा है और 307 वगैरह में भी वांछित रहा है। विक्की और उसके सहयोगी की गिरफ्तारी से जो एक संगठित गिरोह उधर चला रहा था उस पर पुलिस का दबिश बढ़ा है। जो इसमें एक बचा हुआ है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? सर, ये नंदपुर से ही गिरफ्तारी हुई है। इसकी कुछ बरामद भी हुआ है इसके पास? इससे पूछताछ की जा रही है, अभी तक कोई बरामदगी नहीं है।